तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भावना कसाना व्लॉग। हरे कृष्णा सबको। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मेरा 30 डे 30 व्लॉग्स चैलेंज चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो आज है मेरा डे 12 ऑफ 30 डे 30 व्लॉग्स चैलेंज। और डे 12 में आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ अपना साड़ी कलेक्शन, कि कैसी कैसी साड़ी है हमारे पास, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो अभी के लिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाती हूँ आपको मैं अपना साड़ी कलेक्शन। तो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और मैं दिखाती हूँ आपको अपना साड़ी कलेक्शन। तो गाइस, सबसे पहले है ये वाली, बिल्कुल क्या बोलते हैं, मेहरून टाइप, जो डार्क वाला रेड या ब्राउन शेड भी बोल सकते हो आप एक तरह से इसे, उसी का है ये। और ये कुछ इस टाइप की साड़ी है, ये देखो वैसे ही भी ऐसी है। ये पूरा ऐसे ऐसे फ्लावर बने हैं और नीचे ऐसा बॉर्डर है। लो देखो, इस टाइप की है ये पूरी साड़ी। लगा के दिखाती हूँ, ये देखो ये है कुछ ऐसी। तो गाइस, एक एक करके मैं आपको सारी दिखाऊंगी, पूरी नहीं खोलूंगी, क्योंकि अगर पूरी खोलूंगी ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी खोल के दिखाऊंगी। तो ये थी फर्स्ट साड़ी ऐसी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड है ये सी ग्रीन कलर की। एक्चुअली ये दो साड़ी है हमारे पास, क्योंकि हम दोनों बहनों की थी ना, तो दोनों की सेम है, बस कलर अलग है। तो ये है ऐसी, ये देखो पूरी सिंपल है, बस ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे वर्क है, बाकी ये पूरी ऐसी ही है। और इसका साथ वाली जो सेम एक और ये देखी, बस इसका कलर अलग है। ये भी सेम ऐसी है, बस इसका कलर है थोड़ा सा अलग। इसका कलर है पीच कलर और ये है सी ग्रीन, है दोनों सेम ही, बस कलर डिफरेंट है, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स की हमने साथ में ली थी, तो इसीलिए सेम ली थी, बस कलर डिफरेंस था। तो गाइस, ये दोनों सेम मैंने आपको दिखा दिया, और एक बार ये लगा के दिखा देती हूँ आपको, तो आपको थोड़ी लुक पता चल जाए। तो ये कुछ इस टाइप की, बहुत ज़्यादा हैवी वाली साड़ी तो हमारे पास एक आधी कोई होगी वैसे तो। तो ये हो गई वाली सेम पीच कलर, ये भी मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह की और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब डिजाइन वाइज थोड़ी डिफरेंट है डिजाइन वाइज। इसमें नीचे देखो बॉर्डर पे ये पेरिस का सीन बना हुआ है, ये पेरिस का जो आईफल टावर है वो है, और ये एक लड़का लड़की बने हुए हैं,
तो कुछ हटके डिजाइन है, इसीलिए मैंने बोला था ये कुछ न्यू स्टाइल की है। और ये वाली साड़ी हमारी वन ऑफ दी फेवरेट साड़ी है, बहुत अच्छी लगती है और ये पहन के भी बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे पिक मैं इसकी आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि फुल लुक आपको पता लग जाए कि कैसी है। बाकी मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये वर्क है और लगा के ये लगेगी ऐसी, ये नीचे आएगा बॉर्डर पे, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है, बॉर्डर पे आएगा और यहाँ पे जो हम पल्लू टांगेंगे उस पर ये डिज़ाइन आएगा ये वाला, और वो बॉर्डर पे आएगा। तो ये भी हो गई। अब आपने इसके पास से ले लिया था ये वाला डिज़ाइन नेम ले लो। अब इसके साथ की जो एक और है आ रही है। तो गाइज ये है नेक्स्ट साड़ी, ये है ग्रीन कलर की और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा, मतलब ये दोनों साथ में ही ली थी तो ये इनका कपड़ा सेम है बस डिज़ाइन अलग है। तो इस पर बना हुआ है हाथी, हाथी है ना, हाँ हाथी का कुछ डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है इस पर नीचे बॉर्डर पे, बाकी ऊपर से प्लेन है, बाकी बॉर्डर पे यही है और ऊपर का जो बॉर्डर होगा उस पर ऐसा ये वाला बॉर्डर वर्क आएगा। तो ये हो गई। और नेक्स्ट है एक ये वाली, ये वैसे अभी तक हमने पहनी नहीं है, एक बार मैंने बस पहनी थी। ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, ये एक्चुअली मैंने ली थी क्योंकि पहले जब मैं अपनी नर्सिंग की वो कर रही थी उस टाइम पे मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए चाहिए होती थी ऐसी सिंपल डिसेंट साड़ी, तो उसी में काम आती थी ये, तो उसके लिए ली थी। और वैसे भी ऐसी थोड़ी डिसेंट टाइप वाली मुझे अच्छी लगती है। तो ये है पैरेट कलर की, ऐसी कुछ ऐसा डिजाइन है, मतलब पूरी प्लेन है बस ऐसे फ्लावर बना हुआ और नीचे ये बॉर्डर है और ये लगा के लगेगी ऐसी इस टाइप। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली साड़ी सबसे अच्छी लग रही है, या कौन सा डिज़ाइन, या कौन कौन सी सबसे अच्छी लगी। और एक ये है हमारी बिल्कुल नहीं है, ये तो अभी तक हमने पहन का डिज़ाइन आप ऐसे ही देख लो, इसे मैं खोलूँगी नहीं, ऐसी है ये, इसका पूरा बॉर्डर है इसी टाइप का। बाकी साड़ी पे ऐसे छोटे छोटे ये बूटी टाइप वाले फ्लावर बने हुए हैं, ये भी डार्क ग्रीन कलर की है इस टाइप की है, ये अभी तक हमने पहनी नहीं है तो इसीलिए ये पैक की पैक रखी हुई है। अब ये हो गई, अब चलते हैं हमारी साड़ी पे, जो रेडीमेड साड़ी होती हैं जिसमें घूम वगैरह प्लेट्स वगैरह ऑलरेडी बनी हुई आती है, बस हमें जस्ट हुक लगा के पहननी होती है। तो अब हम चलते हैं वाली साड़ी पे, जैसे कि है एक ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, वैसे ये है नीचे का इसका, इसमें ऑलरेडी प्लेट्स बनी हुई हैं, ये फ्रिल वाली साड़ी है, इसमें फ्रिल है, लगा के दिखानी पड़ेगी क्या ये ऐसे समझ आ जाएगी, लगा के दिखाऊं इसको समझ आ जाएगी कैसे, पूरी साड़ी प्लेन है, बस ये फ्रिल आती है इस पर, दो लेयर बन जाती है फ्रिल की और ये है इसका बॉर्डर, और बॉर्डर पे बस ये ऐसी लेस है ये वाली, ये लेस है और ये बनी हुई है प्लेट्स, ठीक है। एक ये हो गई और एक और इसके साथ, मतलब सेम है यही, मतलब ये भी हम दोनों बहनों की सेम थी तो सेम है ये, और इसमें बस कलर अलग है, वो है ये वाला, ये दोनों सेम है बस इसका कलर ब्राउन है और ये है ग्रीन, बाकी ये दोनों सेम साड़ी है, ये भी हम दोनों बहनों, ये भी सेम वैसी है, लेस
इसमें वर्क है इसका भी, ये भी रेडीमेड वाली है, तो ये दोनों सेम है, आपको दिख रही होंगी, बस कलर का फर्क है। उसके अलावा एक है ये मेरी पसंद की साड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट। इसका ये भी मतलब वैसे रेडीमेड नहीं है ये, बस ऊपर का जो ये चीज़ है ना, ये प्लेट्स इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, बाकी ये साड़ी है बांधने वाली, बंदी बंधाई वाली नहीं है। ये इस तरह का इसका वर्क है और बाकी बॉर्डर इसका ऐसा है। और ये मेरी फेवरेट, ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है, बहुत प्यारी है ये भी। ये है स्किन कलर की साड़ी है, एक तरह से स्किनी सा कलर है इसका थोड़ा। ये भी ये बॉर्डर है इसका, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है। और ये है इसका, ये यहाँ सारी मैंने आपको दिखा दिया, अब इक्की दुक्की कोई रह गई होगी तो वो फिर कभी शेयर कर दूंगी। अभी के लिए बस यही साड़ी है, तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बता देना किसको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी के लिए आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन पसंद आए। सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।